सच, साहस, सरोकार। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री अजीत कुमार थामेंगे बीजेपी का दामन, समर्थकों के साथ भाजपा में होंगे शामिल। नालंदा में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन, 151 महिलाएं स्नान कर पहुंची गांव। पटना में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, रसोईया चला रही सिकंदरा मध्य विद्यालय। नालंदा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। मधुबनी में जिला समादेष्टा से अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां अपने बेटे का केस दर्ज कराने के लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर फोटो तेजी से वायरल हो रही थी। उस फोटो को देख कर पिता ने पहचान लिया कि मृतक राजकुमार कुमार मंडल ही है। तब जाकर पिता सुरेंद्र मंडल ने पीरपैंती थाने में आवेदन देने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां के थानाध्यक्ष ने परिजनों के साथ अभद्रता की और केस दर्ज करने से मना कर दिया। बिहार के रोहतास में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन गहरी खाई में पलट गई। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 से अधिक लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद कुछ के लापता होने की भी आशंका जताई गई है। सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस प्रशासन राहत और बचाव काम में जुट गई। भीषण हादसे जिले के चिनारी इलाके में गायघाट के पास हुआ है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। थानाध्यक्ष निर्मल कुमार मौके पर मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार से जुड़े बेलछी प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था डगमग हो गई। शिक्षा अधिकारी के लापरवाही के कारण कई स्कूल राम भरोसे चल रहे। अनुमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ताल क्षेत्र में अव्यवस्थित सिकंदरा राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक मनमाने तरीके से आते हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हालत ये है कि बच्चे शिक्षक की आस में घंटों बैठे रहते हैं, फिर निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं। इस दौरान बच्चे खेलते रहते हैं, कभी कभी बच्चों के बीच मारपीट भी हो जाती है। शिक्षक की गैर हाजिरी में रसोईया विद्यालय का संचालन करती है। बच्चों का आरोप है कि एसडीएम भी ठीक तरीके से नहीं मिलता है। कुल मिलाकर स्कूल की व्यवस्था शिक्षा विभाग की पुल खोलने के लिए काफी है। अच्छा, ये यही कारण है कि टीचर नहीं आते हैं? प्रभारी सर आते हैं? नहीं, कभी कभी, कल भी नहीं, परसों भी नहीं आते। यानी 2-3 दिन नहीं आए हैं अभी? कभी कभी कितने टीचर यहाँ हैं? एक टीचर को। तो यहाँ प्रभारी टीचर आते हैं? नहीं आते हैं, आते हैं तो कागज चुनवाते हैं, कचरा फेंकते हैं, चल जाते हैं। कई बजे आते हैं? 11 बजे आते हैं, 12 बजे जाते हैं। कई बजे आधा घंटा रहते हैं, फिर चल जाते हैं। विद्यार्थी कितना आया है? टोटल मिला के 140 है। 40 विद्यार्थी का भोजन बन रहा है। आईजी विकास वैभव पर बिहारी होने को लेकर आज मोतिहारी की कचहरी मौके पर मोतिहारी सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा
अहोतकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला साधा। बता दें कि विगत दिनों अग्निशमन विभाग के आईजी विकास वैभव ने अपने ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया था, जिसमें उनका दर्द साफ झलका है कि वो बिहारी होने का अपमान अपने सीनियर शोभा अहोतकर से झेल रहे हैं, जिसके बाद से ही जगह जगह विकास वैभव के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी कड़ी में आज वकीलों का एक समूह वरीय अधिवक्ता पप्पू द्विवेदी ने नेतृत्व में चहरी चौक पर इकट्ठा हुई और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, बिहारी अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। धूमधाम से बिहार दिवस पर कई तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं कि बिहारी हम बिहारी सौ पर भारी हैं, हम बिहारी हमारा जो है सो सम्मान ऊंचा रहे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कई दिन बीतने के बावजूद भी बिहारी अस्मिता पर कुठाराघात करने वाले बिहारी अस्मिता का पब्लिक डोमेन में छवि गिराने वाले बिहारी अस्मिता के छवि को तार तार करने वाले लोगों को पर बिना कोई कार्रवाई किए हुए और इस संबंध में एक शब्द भी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला समादेष्टा संजय कुमार से सेकंड मास्टर चार्ट के नाम नहीं आने के कारण अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की है। वहीं इस समस्या को लेकर रणधीर कुमार राम, सुरेश कुमार साहू, मुकेश कुमार राम, परमेश्वर कुमार पासवान समेत सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने समादेष्टा पदाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हम लोगों का नाम फर्स्ट मास्टर चार्ट लिस्ट में था, लेकिन विभागीय त्रुटि के कारण सेकेंड लिस्ट से नाम हटा दिया गया। हम लोगों की उम्मीद है कि लास्ट अव्यवस्था में कुछ सहारा मिला, हम लोग दौड़कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के देकर अपनी भविष्य संवार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मास्टर चार्ट लिस्ट में नाम होने के बाद सेकंड लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जिससे हम लोग निराश हो चुके। हम लोग वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हम लोगों का नाम जोड़ा जाए और दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाए। पहला लिस्ट जो प्रकाशित हुआ था वो सभी आवेदनों का जो जैसे जिस रूप में हम लोगों को प्राप्त था वैसे उसमें डिटेल्स अंकित करके मास्टर चार्ट का प्रकाशन किया गया था। उसके उपरांत अभ्यर्थियों को उस मास्टर चार्ट पर जो भी उनका अपना दावा या आपत्ति दर्ज करना हो उसके लिए उन लोगों को समय दिया गया था। तत्पश्चात प्राप्त दावा आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है एवं उसको उसमें संशोधित मास्टर चार्ट जो योग्य अभ्यर्थी होंगे जिनको दौड़ में सम्मिलित होना है उनकी सूची प्रकाशित की गई है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने गुरुवार को इस ऐलान के साथ बताया कि वह 27 फरवरी को अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके साथ लोग भाजपा में शामिल होंगे। आगामी 27 फरवरी को शहर के महेश भगत बनरीवाल के कॉलेज के सदस्यता कार्यक्रम किया जाएगा। नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के धनकी पंचायत के गोत्रा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां आधा दर्जन से अधिक मकानों को प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त किया कर दिया गया है। वहीं इस अतिक्रमण के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण रामदेव ने कहा कि साजिश के तहत कुछ लोगों के साथ मिली भगत कर सड़क के किनारे कई सालों से रह रहे आधे दर्जन से अधिक मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आलम यह है कि सभी ध्वस्त हुए मकान के गृह स्वामी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। अभी तक जो हमको पता है टेंडर भी नहीं हुआ है, DPR भी नहीं बना है। रोड चौड़ीकरण जब होता तब ये घर टूटता, ये एक बात होती, तब लगता कि नहीं भाई रोड चौड़ीकरण हो रहा है, घर इसका तोड़ा जाएगा तभी रोड चौड़ा होगा। लेकिन लगभग 5-7 घर तोड़ा गया है। और दूसरी बात, जो तोड़ा गया हमको तो लगता है वहाँ भी मुंह देख के काम किया गया है। पैन खोताएगा उसके बाद में गलत फहमी में अथी हम नहीं थे इस लेकर के औरत से मैंने जो भी टिप्पा ले लिया समझे, उसके बाद में लेके चल गया CO साहब पैसा ले के उसके बाद में ये ऐसा काम गरीब आदमी के साथ वो घर के दिया नाश कर। तो आप लोग कैसे रहते हैं अभी? चमकी छार के रह रहे हैं सर। के पास पैन हलर और रोड के पास इधर हम हैं
और कहल गए कि रोड खनाना नहीं है तो पानी नहीं खनवा देंगे तो इसको हम खान का खनवा देंगे घर। तो एकाएक हम आए घर से तो निकले तो कुल पटापट तोड़े लगाया मारे लगा सीओ साहब कुल के दिया मार के एकदम स्वथान बाल बच्चा के कर दिया सर। कितना घर तोड़ दिया? हाँ सात घर तोड़ा, इधर हमारा एक घुरनी नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुँचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा के प्रखंड के भिंडा ग्रामवासियों द्वारा मनोकामना शिव मंदिर में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जिसके बाद 151 महिलाओं ने बाढ़ गंगा नदी से गंगा स्नान कर गाँव पहुंचे। और कार्यक्रम के आयोजक महेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से गाँव में सुख शांति आती है। हम लोग बाढ़ से जो है गाँव के महिला बच्चियाँ 151 के आसपास करीब थे, उनको ले गया वहाँ गंगा स्नान कराकर कलश यात्रा सुसंदी ग्राम से भिंडा ग्राम तक जो है पैदल मार्च कराते हुए डीजे बैंड बाजा के साथ संपन्न करा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद गांधी जी है। कैमूर के दुर्गावती में हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आनन फानन में NHAI और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गए। आने वाले इनका नाम है सुमंत सिंह जी, इनके पिता का नाम है वैद्यनाथ सिंह, रहने वाले हैं आपके बेलवारी विक्रमगंज जी जी, माइनर इंजर्ड है और बाकी अपना थाना भी आया हुआ था, थाना का भी स्टाफ भी है, उनको भी देख रहे हैं आप जी जी, और आगे की प्रक्रिया जो है कर रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन शराब कारोबारी नए नए तरीके से शराब की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। वहीं ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। बता दें कि सकरा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर तकरीबन 55 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर मौके से भाग गए। मामले की जानकारी उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने दी है। कार्रवाई कल देर रात्रि की गई है। गुप्त सूचना मिली कि सकरा थाना अंतर्गत कुलेसरा गांव में एक पिकअप में अवैध विदेशी शराब लोड करके जिले में खपत हेतु लाया गया है। तो सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम को गठित किया गया एवं घटनास्थल पर टीम पहुंची और घटनास्थल पर सड़क किनारे एक पिकअप खड़ी थी और इसके ऊपर एक तिरपाल बंधा हुआ था और जब तिरपाल को हटाया गया तो उसके अंदर खाली बोरियाँ थी जूट की और बोरियों के नीचे जांचने पर अवैध विदेशी शराब पाया गया। शराब की गिनती की गई, इसमें 55 कार्टन विदेशी शराब है।
और बाकी का जो स्पेस है वो सब बोरियों से भरा हुआ है। नवादा के नगर थाना के खरीदी बिघा में गैस एजेंसी के मालिक से रंगदारी मांगी गई, तो वही रंगदारी नहीं देने पर गैस बेचने वाले के साथ मारपीट की गई। मारपीट में गैस बेचने वाले 3 कर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। बराबर ये लोग से रंगदारी मांगता है कि गैस तुमको बेचने नहीं देंगे, तुम्हारा गैस के अति गाड़ी में आग लगा देंगे, प्रत्येक दिन तुम 1,000 रुपया हमको रंगदारी दो। एक बार सिस्टर भी दिखा चुका है, लेकिन हम लोग उसको समझौता करके बात खत्म कर देते हैं, लेकिन आज हमारे वेंडर के साथ जबरदस्ती बंदूक के बट से मारपीट करके सारा पैसा जो अंतिम बार सेल हुआ था लूट लिया। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की गई है, साथ ही एक कार भी बरामद की गई है जिसमें शराब लदी हुई थी। बता दें कि होली पर्व को लेकर शराब माफिया शराब की खेप को बिहार में ला रहे और बेचने की तैयारी में जुटे हैं। इधर प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 4 किलो चरस के साथ छतौनी बस स्टैंड से तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चरस नेपाल से कोटा ले जाने की तैयारी में थी। ये इसे पूछताछ आरंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि वो नेपाल से लेकर के आ रहा था और वो कोटा उसको सप्लाई देनी थी। मोटरसाइकिल के सीट के नीचे इसने चरस को छुपा करके रखा था। कहाँ लेके जा रहा था? कोटा ले जाने की बात इसने बताया। कितने लोग इसके में शामिल है सर? एक आदमी की अभी गिरफ्तारी हुई है और बाकी इसके सिंडिकेट को देखा जा रहा है कि कोटा में और नेपाल में इसके सिंडिकेट के कौन कौन मेंबर है। पहली डिलीवरी थी या पहले से भी ये आरोपी बताया जाता है। नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के गुवासा और रामपुर गांव में जंगली सियार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है, जिसे 2 व्यक्ति जख्मी हो गए। उसे तत्काल इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रामपुर गांव के रहने वाले शिवनाथ सिंह पर जंगली सियार ने हमला कर दिया है, जिसके कारण वो जख्मी हो गए। वहीं गुवासा गांव के पिंटू कुमार बीते शाम के वक्त में अपने खेत में मोटर बंद करने के लिए गए थे। खेत में बैठा जंगली सियार ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाढ़ के बेलछी प्रखंड के सकसोहरा बाजार के पास बेलगाम ट्रक ने कई ग्रामीणों को कुचल दिया और जख्मी सहित 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 1 जख्मी को प्राथमिक उपचार के बाद PMSH रेफर कर दिया गया, तो वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।